जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशम पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप हमारा खास शो देख रहे हैं हल्ला बोल, और हल्ला बोल में हमारा आज का प्रोग्राम है जावेद अख्तर जी के ऊपर कि जो प्रधानमंत्री जी नहीं कर सके वो जावेद अख्तर ने कर दिया। और हमारे साथ में चर्चा के लिए है यूनुस मंसूरी साहब, जो लगातार आप देख रहे हैं कि जावेद अख्तर जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, कहीं बात हो रही है कि उनके घर में घुस के मारा है। आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे देखते हैं, जहां कंगना राणावत से लेकर के तमाम भाजपा के नेता और तमाम लोग जावेद अख्तर जी के साहित्य पर और उनके अवार्ड पर उनके ऊपर सवाल उठाते रहते थे, आज वही सब लोग जो है उनके पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन एक कोई नहीं कह रहा है कि जो काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था आज से वर्षों पूर्व और वो करके दिखाया है जावेद अख्तर ने, वो भी हिंदुस्तान की धरती से नहीं, ठीक वैसे ही जैसे एक बार असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी पाकिस्तान में जाकर के उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था कि जनाब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को मत देखिए, आप अपने मुसलमानों को देखिए और आप अपने पाकिस्तान को देखिए कि आपके हालत क्या है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम लड़ना भी जानते हैं, झगड़ना भी और प्यार से रहना भी और अपना हक भी मांगना चाहते हैं, ठीक वैसा ही जावेद अख्तर ने आज बुक कर दिखाया है जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार बोलूंगा, उसके बाद एटीवी जो कि देश का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है उसका धन्यवाद देता हूँ कि लेकर के आते हैं जी। देखिए, लाने के लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा ये टीवी का और साथ ही साथ मेरे जुड़े के। अब बात करते हैं हम आज का जो मुद्दा है उसका। देखिए, घर में घुसकर मारने की परंपरा इस भारत के मुसलमान में नहीं, भारत के मुस्लिम ने हमेशा घर में घुसकर मारा, ठीक है ना। भारत कभी पहले जब हमारे आज भी फिर वही देशभक्ति दिखाई है जावेद अख्तर ने, उनके घर में घुसकर मैं जो है आईना दिखा के आए हैं, बात दिखा के आए हैं कि तुम इस लेवल के, इस दर्जे के। बेशक सही बात कही आपने, ये काम प्रधानमंत्री जी करना चाहिए था, वहां से नहीं तो यहाँ दिखानी चाहिए, ये काम जावेद अख्तर ने किया है। मुबारकबाद देते हैं, हौसले को सलाम करते हैं, घर में घुसकर छाती पे चढ़ के और जवाब दे के आए हैं कि हर भारतवासी को फर्क पड़ता है। जहां तक बात मैं बात करता हूँ नफरत फैलाने वाले तत्वों की या कुछ कीड़े जिनके दिमागों में भर गए हैं नेगेटिविटी के, उनकी भारत उनसे नहीं है, भारत आप और हम जैसे लोगों से है, भारत सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से है, जिनके दिलों में, जिनकी रगों में, जिनके रोम में भारत बसता है उनसे भारत है। भारत से नहीं है जो नेगेटिव बोलते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर के आते हैं बीच बीच में, चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, उनको लेकर के तो अपने मतलब के लिए अपना तवा गर्म करके अपनी रोटी सेकते हैं ये। लेकिन जिसे भारत से मोहब्बत, भारत से प्यार है, जो भारत उनके दिलों में बसता है, उनके ब्लड में, डीएनए में भारत, वो कहीं भी पहुंचा दो, चाहे पाकिस्तान चाहे चीन। एक वक्त था जब यहाँ पर मंगोलों ने आक्रमण किया था, चंगेज इनको रोकना दूसरे देशों के लिए बहुत बहुत कठिन था, बहुत बड़ी और बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन भारतवासियों ने भी रोका, ने भी उनकी ओर आगे आते रहे, एकदम चीन को बाप से ही बेटा इसको
हौसला और हिम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह वो हौसला और हिम्मत दिखाई है जावेद अख्तर जी ने। मैं लेकिन इन लोगों की बात नहीं करूंगा कि उनके खिलाफ किसने क्या कहा, वो निजी विचार हो सकते हैं सब लोगों के, लेकिन जो आज कारनामा करके दिखाया है पाकिस्तान को उसकी बात याद दिलाई है कि तुमने हमने मोहब्बत का पैगाम हमेशा दिया है, बड़ा होने के नाते, विश्व गुरु होने के नाते, शांति फैलाने का एक उद्देश्य हम दुनिया में लेके चलते हैं, उसके नाते हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमने चाहे मेहंदी हसन साहब, चाहे नुसरत फतेह अली खान साहब हो, हमने हर वोट हर नफरत हर हर बंद को छोड़ करके हमने उनका स्वागत किया के प्रोग्राम किए, मोहब्बत का पैगाम फिर अपनी बात, लेकिन उन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में एक कसक एक ठेस लेकर के बैठे, देखिए नफरत फैलाएंगे तो बढ़ेगी, हम प्यार फैलाने निकले, हम मोहब्बत फैलाने निकले, हम शांति कायम करने निकले हैं। भारत अमन और शांति का प्रतीक दुनिया में माना गया है। आज यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई हो रही है तो दुनिया हमारी तरफ नजर टकटकी लगाने देखिए, कहीं ना कहीं भारत का रोल बड़ा ही अहम रहेगा, बहुत अहम किरदार अदा करेगा भारत। हकीकत ये है कि मुझे नहीं है, मेरा निजी विचार है, मुझे भी लगता है कि अगर विश्व में शांति चाहिए, किसी देश में शांति चाहिए, भारत पहल करेगा तो बेशक वहां पर शांति होगी। तो इन लोगों ने कभी भी शांति के लिए बात नहीं करी, अमन के लिए बात नहीं करी, मोहब्बत के लिए बात नहीं करी, ठीक है ना। इन्होंने पीठ पीछे वार किए, हमारे पीठों पर छुरे घुपे हैं इन्होंने, चाहे वो आप भारत पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे आप किसी जासूसी का मामला ले लीजिए, चाहे आप जो है बॉम्बे वाला जो मुंबई में आक्रमण हुआ आतंकवादी उनका ले लीजिए। तो बिल्कुल ये उस लैंग्वेज के हकदार थे जो लैंग्वेज साहब ने वहां पर उनको सुनाई, और साथ ही साथ जो आईना दिखाया उसके हकदार थे। हमने मोहब्बत का पैगाम दिया हमेशा, हम नहीं फैलाते हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया, और जावेद अख्तर साहब ने आईना दिखा मोहब्बत का पैगाम। केशव जी हमारे साथ में भाजपा नेता विरल मलिक साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कैसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अविरल साहब अब तो सर्टिफिकेट जावेद अख्तर जी को मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब तो राष्ट्रभक्त वाला उन्होंने काम कर दिया है जी। देखिए अभी तक जो राष्ट्रभक्ति का अपने आप स्वयं परिचय देता है वो बहुत अच्छी बात है, और देश के खिलाफ बोलने की किसी भी व्यक्ति की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए, देश के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता, चाहे वे खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, तालिबानी हो, नक्सलवादी हो, इन लोगों के खिलाफ भी इस प्रकार के लोगों को जो बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं या फिर बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को बोलना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण भी है। यदि लोग इनकी फिल्में देखते हैं तो लोग ये भी सुनना चाहते हैं कि इनके विचार क्या हैं इस प्रकार के विषयों को लेकर, या फिर जितने भी सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वे लेखक हैं या फिर किसी भी प्रकार से वहां से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र का कोई सीनियर मोस्ट व्यक्ति यदि है तो उस व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने चाहिए जिस देश में वो रहता है, उस विषयों को लेकर के जो उस देश के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर यदि आप बात करते हैं जिहादियों की, तालिबानियों की, खालिस्तानियों की, पाकिस्तानियों की, इन लोगों के खिलाफ काम केसरिया रक्षा फाउंडेशन और मैं स्वयं भी कर रहा हूं, और अमृतपाल सिंह के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने शिकायत पत्र दिया है, उनको सौंपा है उनके दफ्तर को, जिसपे कि अमृतपाल सिंह खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई हो सके, और खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह। आज का जो विषय है, अविरल मलिक साहब, आज का जो विषय है वो विषय साफ है कि जो काम प्रधानमंत्री जी को वर्षों पहले करना चाहिए था वो जावेद अख्तर ने कर दिया। उस जमीन पर जाकर के उन्होंने ताल ठोक करके कहा कि आपने हमारे देश में ये आतंकवादी भेजे और वो खुलेआम घूम रहे हैं, इतनी बड़ी जो है हिम्मत के साथ कहना उनकी जमीन पर। यहाँ से तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम आतंकवादी हो, तुम पाकिस्तानी हो, उनकी सरजमी पर जाकर के ये कहकर के, और एक ही नहीं उन्होंने कई बातें ऐसी की है जिनको सुबह से मीडिया चला रहा है, और शायद बहुत कंगना राणावत जी जो उनके हमेशा विरोध में रही थी वो आज जो है उनको सर्टिफिकेट दे रही है, तो ऐसे में क्या समझा जाए जी। देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, और जो भी देशभक्ति की बात कहेगा हम उसका निश्चित तौर पर सम्मान करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है। नहीं मेरा सवाल सीधा सा ये है कि जब भी कोई व्यक्ति गलत करता है, जब भी आपके अनुरूप कोई बयान गलत आता है, जब जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपके एजेंडे में नहीं आता है, अगर उस हिसाब से वो बयान नहीं आ रहा है तो आप उसको देशद्रोही आतंकवादी का दर्जा दे देते हो, लेकिन जब वही काम जो है, जब वही नहीं आप सुन लीजिए ना पूरा सवाल जी जी आप सुन लीजिए मैं उत्तर सुनूंगा बिल्कुल, जब वही व्यक्ति बाहर जाकर के राष्ट्रभक्ति वाला जो है हिंदुस्तान
नहीं होने का जब अपना हक अदा करता है और दिखाता है कि मैं हिंदुस्तानी तब भी था और आज भी हूँ, तो आप क्या फिर उसको राष्ट्रभक्ति का दर्जा देंगे या नहीं देंगे, सर्टिफिकेट जो भी आप राष्ट्रभक्ति वाला दे रहे हो? जी केशव जी, हम कोई नहीं होते किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाले। भारत का संविधान स्वयं ही स्पष्ट करता है, भारतीय संविधान कई बार मौलिक कर्तव्य क्या है और जो मौलिक कर्तव्य है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के तिरंगे का सम्मान करना, राष्ट्र के पक्ष में बोलना, राष्ट्र के खिलाफ बोलना एक तरीके से कानूनन अपराध है और देशद्रोह स्वयं में वो राष्ट्रद्रोह देशद्रोह के अंतर्गत आता है। जेल में क्यों नहीं बंद करवाया? आपकी सरकार है, आपका संविधान है, सारी चीजें देश की है तो जेल में बंद होना चाहिए। अगर वो प्रशंसा करते हैं, अगर कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ बोल रहा है तो उसको जेल में पहुंचाना चाहिए ना? कि मंसूरी साहब बिल्कुल अंत करते हैं। मंसूरी साहब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जो देश के अंदर संगठन है या जो पार्टियां, चाहे वो हिंदू संगठन हो या फिर वो इस्लामिक संगठन हो, जो लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं और फिर जब उनके अनुरूप, लेकिन जब उनके हिसाब से ही जब कोई व्यक्ति चलने लगता है तो फिर क्या उस सर्टिफिकेट को छोड़ नहीं देना चाहिए? फिर क्या राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट भी तो जारी कर देना चाहिए? अगर एक व्यक्ति देशद्रोही का काम कर रहा है तो देशद्रोह का सर्टिफिकेट आप जारी कर देते हैं, मतलब आपकी भाषा में जब आपको लगता है कि ये देशद्रोह हो रहा है तो आप देशद्रोही उसको बोल देते हैं। तो जब आपको आज लग रहा है कि उन्होंने राष्ट्रभक्ति का काम किया तो फिर मंसूरी साहब से जान लेते हैं कि जो आज उन्होंने काम किया है क्या वो हिम्मत जुटाने की अन्य हिंदुस्तानियों में भी हो सकती है और होनी चाहिए या नहीं? अब तो हमारी और हिम्मत बढ़नी चाहिए। जावेद अख्तर इसका सीधा उदाहरण है कि हम पाकिस्तान की धरती पर जाकर के जब ये बोल सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने हिम्मत दिखाई कि हमने इसलिए नहीं बोला है किसी के दबाव में आकर के, हमने बोला है क्योंकि हमारे अंदर हमारे रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ता है। जी केशव जी, हमें हिम्मत मिलती है शहीद भगत सिंह से, हमें हिम्मत मिलती है सुभाष चंद्र बोस से, हमें हिम्मत मिलती है वीर अब्दुल हमीद इदरीसी से, हमें हिम्मत मिलती है मेजर शैतान सिंह से, हमें इनसे हिम्मत मिलती है। हमें उनसे हिम्मत नहीं मिलती है जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया अपने पास, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, जिन्होंने जेल भरो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बजाय कि वहां सीने पे गोली खाने के लिए। जब जलियांवाला कांड हो रहा था तो सीनों पे गोलियां खाई जा रही थी और कुछ लोग जेलों में आंदोलन भर रहे, जेल भरो आंदोलन में बैठे हुए। हम वहां से हिम्मत नहीं लेते, हम हिम्मत लेते हैं जहां पाकिस्तान के 2-4-5-7 टैंक जब घुस रहे हैं हिंदुस्तान में तो अपनी छाती पे टैंक के गोले खा रहे हैं और उनको उड़ा रहे हैं। हम वहां से हिम्मत लेते हैं। हम जब अंग्रेज जो बर्तानिया हुकूमत की संसद लग रही है तो उसमें जाकर के बम फोड़ रहे हैं, हम वहां से हिम्मत लेते हैं। वीर हमारे शहीद भगत सिंह शहीद आजम, हम वहां से हिम्मत लेते हैं, हम उन लोगों से हिम्मत नहीं लेते हैं। तो वो जो हिम्मत और हौसला है हर भारतवासी में इन लोगों से आता है, ठीक है ना। और जहां तक बात अगर मैं बता दूं संविधान की, तो देखिए जैसे कि जावेद अख्तर साहब जो हैं वो मुस्लिम हैं और इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, तो मैं हमारे अविरल भाई साहब वो भी बैठे हैं उनकी इस बात से मैं एक संशोधित बात कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान अभी आया है आजादी के बाद, ठीक है ना। एक मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा उसकी जिंदगी में संविधान जो है वो है कुरान, जिससे जिसको वो फॉलो करता है, जिस पर वो चलता है वहां पर, और दूसरा है जो प्रोफेट मोहम्मद है उनकी बात से वो चलता है जिसे सुन्नते बोलते हैं और उनकी कही हुई बातों को हदीस बोलते हैं, ठीक है। उसमें दोनों में फरमाया गया है उनके द्वारा भी और वहां पर बताया गया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और मुस्लिम का सबसे बड़ा फर्ज जो है वो है तौहीद। तौहीद मतलब अपने ईमान पर कायम रहना। मुसलमान का मायने अर्थ और मतलब होता है मुकम्मल ईमान वाला। तो मुकम्मल जब ईमान बनता है जब आप अपने देश से, अपने संविधान से, अपने देश के कानून से मोहब्बत करते हैं, और ये बात कुरान और प्रोफेट मोहम्मद साहब से आई है और वो बात ब्लड में है। और इसीलिए इसीलिए आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, जहां तक भारत पर जान देने की बात आएगी पहली पंक्ति में क्षत्रिय कौम नजर आती है, हमारी आर्मी नजर आती है, और जहां अगर भारत के लिए जान देने की बात आएगी वहां पर मुस्लिम कौम कभी पीछे नहीं रही। चाहे आप दक्कन की सरजमी से शेर हिंद शहीद हजरत टीपू सुल्तान की शहादत को उठा के देख लीजिए, जिनको कि कई घंटों तक अंग्रेज जाकर के हाथ में अड़ा पाए, ठीक है ना, वहां से देख लीजिए। चाहे आप वीर अब्दुल हमीद से देख लीजिए। तो ये जो कौम है इसको या किसी को भी किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में
आज की तारीख में अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप कीजिए ना, किसने मना किया? लेकिन मैं वही समझता हूँ मंजूर साहब, आपको बीच में रोकता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आज उन्होंने क्या हमारे सारे हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाले नहीं होने चाहिए? जो भगत सिंह चाहते थे, जो चाहते थे, उनको लेकर ये जो हिंदुस्तान है ये एक गुलदस्ता है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सभी इसके फूल हैं, फूल और गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है, बगीचा तभी अच्छा लगता है जब तरह तरह के फूल हैं, वरना उसे बगीचा नहीं कहेंगे, गुलदस्ता नहीं कहेंगे, ठीक है ना? तो ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा कर्म है कि भारत में ही हम सब गुलदस्ते के जैसे बचते हैं। बाकी किसी कंट्री को उठा के देख लीजिए, वहां पर इस तरह का कुछ भी आपको गुलदस्ता नजर नहीं आएगा। मैंने भी कुछ देश घूमे हैं तो बड़ा अजीब गरीब माहौल रहता है वहां पर। वहां पर एक ही चीज को फॉलो करते हैं वो लोग, एक ही चीज में जीते हैं। यहाँ पर दीपावली होती है अविरल जी के यहाँ, तो मैं भी मनाता हूँ दीपावली को, होली होती है तो मैं ही मनाता हूँ, जब मेरे यहाँ ईद होती है तो केशव जी भी ईद मनाते हैं। तो यही तो एक खासियत और खूबसूरती और हिंदुस्तान इसी को बोलते हैं। जी केशव जी, जैसा कि मंसूरी साहब ने कहा कि गुलदस्ता जब होगा तभी तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा, जब तिरंगे में तीन रंग हैं, क्योंकि एक एक रंग के भी बहुत सारे झंडे हैं लेकिन जब तिरंगा लग जाता है तो इसके शान, इसकी जो है इसका स्वाभिमान दूर से पता लगता है कि ये भारत का तिरंगा है। जब तिरंगा उनके बीच में होता है तो लगता है कि किसी देश का है फ्लैग। और आपने बहुत सारे झंडे देखे होंगे, उनका कोई अपना नाम नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के ही फ्लैग का नाम तिरंगा है और किसी भी देश का नाम अपना उनका नाम नहीं। जी देखिए, निश्चित रूप से देश के तिरंगे का सम्मान किया जाना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है तो उसको किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन करते हैं या फिर एक तरीके से आतंकवाद फैलाने का कार्य करते हैं, केशव जी तिरंगे का अगर अपमान किया जाए तो क्या सजा होना चाहिए इनकी नजर? लेकिन अविरल जी, अगर बात यहाँ से कोई अपमान यहाँ से शुरू होता है, अविरल सर मैं आपको क्या सजा होनी चाहिए? नहीं, मंसूरी साहब आपका ही मैं सवाल ले लेता हूँ। अविरल साहब, सवाल ये जो उठ रहा है कि जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही है तो क्या तिरंगा रहेगा हिंदू राष्ट्र में या फिर केसरिया लाएंगे? क्योंकि जिस तरीके के झंडे पर लगातार जो है बहस होती रही, मैं सीधा सवाल ही आपसे पूछ लेता हूँ कि जब भी इस देश को जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है तो तिरंगा तो रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी तो सवाल उठेगा। क्योंकि तिरंगे के पीछे जहां लोगों ने अपना रक्त बहा दिया, लहू बहाया है, तो ये उनकी जो यादें जो जुड़ी हैं उसमें, जो उनका लहू शामिल है, वो रहेगा या नहीं? ये पवित्र इसको झंडा बोले या तिरंगा बोले जो भी हम कहें, बहुत कम होंगे शब्द जितने भी हम नए शब्द भी अगर ईजाद करते। जी देखिए, भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और भारत के संविधान में जो मूल प्रति में लिखा हुआ है उसका सेक्युलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष देश है, वो धर्म निरपेक्ष कहीं से लिखा हुआ नहीं है। और धर्म निरपेक्ष जबरदस्ती जोड़ा हुआ शब्द है जो कि लोगों की कल्पना है, जबकि वास्तव में पंथ निरपेक्ष देश है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन पंथ और धर्म में अंतर क्या है? मतलब पंथ निरपेक्ष में ये समझ नहीं पाया क्योंकि हमारी थोड़ी सी हिंदी और संस्कृत पढ़ी थी। जो सेकुलरिज्म है तभी यहाँ पर सुरक्षित है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है। जिस दिन यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो उस दिन यहाँ का संविधान और यहाँ के जितने भी कानून है ये किस प्रकार के होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में आवश्यक है और आवश्यक इसलिए है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होने का खतरा है, गृह युद्ध होने का खतरा है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण भारत के अंदर है कि अशिक्षा को यदि कम करना है या फिर विकास को करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो और उसमें मुस्लिम लागू करेगा। लागू कौन करेगा? मतलब हमें किससे बोलना चाहिए, अमेरिका की सरकार से या अफगानिस्तान की सरकार से? मतलब हम किससे कहें ये बात? अविरल साहब आपसे ही मैं जानना चाहता हूँ बड़े विनम्रता पूर्वक कि ये वाला जो आपने बताया जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए बिल्कुल खतरा है, देश के दुनिया के लिए कोई नहीं चाहता कि हमारे पास जो है पानी खाना उतना ही है और हमें नियंत्रित हो जाना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग कहें, हम नए दौर में जी रहे हैं। लेकिन क्या हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें बोलना किससे पड़ेगा? अमेरिका से बोलना पड़ेगा, जापान से बोलना पड़ेगा, ब्रिटेन से बोलना पड़ेगा? क्योंकि 2014 से आप तो हैं तो आप तो ला नहीं पाए,
तो अभी हमें किस सरकार से मतलब हमें बोला जाना चाहिए अभी हमारे देशवासियों को आप बता दीजिए, तो वो भी कम से कम वहां पर देखिए आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है। जब तक यहाँ के लोग नहीं समझेंगे, जब तक यहाँ के लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे किस प्रकार का कानून आए, तब तक समस्या अनेकों प्रकार की उत्पन्न हो सकती है और उत्पन्न इस प्रकार से हो सकती है। जब CA और NRC के खिलाफ आंदोलन देश में किया गया था, तरह तरह की अफवाहें देश में फैलाई गई थी, देश में गृह युद्ध होने का खतरा तब भी था और एक प्रकार से वो गृह युद्ध जैसी स्थितियां ही थी, किसी के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी, किसी के ऊपर डंडे चलाए जा रहे थे, कहीं गोलियां चल रही थी, तो वो क्या उससे भावे स्थिति देश में क्या हो सकती है। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक इसलिए है, जब देश के लोग लिटरेट होंगे, लिटरेसी यहाँ से समाप्त होगी, कट्टरता समाप्त होगी, जो मजहबी कट्टरता है उसको समाप्त करना इम्पोर्टेंट इस कारण से है कि संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ होना चाहिए और संविधान को मानकर ही प्रत्येक व्यक्ति को चलना चाहिए। जो संविधान को नहीं माने उसे देश को छोड़ देना चाहिए, देश में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है इसकी देश में कोई आवश्यकता नहीं है, देश में समान कानून होना चाहिए। जिस प्रकार से अनेकों राज्यों में भारत की जो हिंदू आबादी है वो अल्पसंख्यक के दर्जे में है, तो क्या उनको हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? जहाँ अल्पसंख्यक हो चुकी है एक प्रकार से आबादी, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है और हिंदू माइनॉरिटी में जा चुका है, तो वहां पर ही इस प्रकार से तो दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्यों उनको नहीं दिया जा रहा है? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, इस प्रकार से वहां से कश्मीर पंडितों को बढ़ाने का सभी को हाथ लगा कर देखो, मोदी जी और अमित शाह जी ने उसको हटा दिया, अब ये रोक कर देखो। भारत की सरकार स्पष्ट रूप से एक काम जानती है कि जो देशभक्त है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। केशव जी, मैं दो चार चीजों पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। संख्या कैसे बढ़ा दी गई, आपने कभी दलितों पर बोला नहीं है। सुनिए केशव जी, मैं दो चार चीजें यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। और आज के दौर में आप देख लीजिए, केवल आप एक भी वर्ग और एक भी केशव जी, उन्होंने तो धर्म ग्रंथ कभी नहीं चलाए, सरकार में तो आपकी चले है ना धर्म ग्रंथ, तो बात ये आती है कि कभी जावेद अख्तर तो नहीं चलाने गए, कभी 19 मंसूरी तो नहीं चलाने गए, और 1947 से लेकर के अभी तक का इतिहास देख लीजिए और इससे पहले का इतिहास देख लीजिए, तो क्या ये अपमान नहीं है क्या? और कितना आपने नया कानून बना दिया, कोई इस दिन का कानून से लेकर के अगर कोई धर्म ग्रंथ चलाने नहीं, मतलब आप बता दीजिए को उस समय क्यों नहीं पूछ रहे थे, इसका आप जवाब दीजिए। केशव जी, जो आपने प्रश्न पूछा है वो जायज बिल्कुल है, लेकिन आप इसका भी जवाब दीजिए। जिस वक्त CA और NRC के दंगे हो रहे थे उस वक्त आप कहां थे, सवाल को आपने क्यों नहीं पूछा? जब हमने कानून बनाया था तो उसके खिलाफ देश में दंगे बढ़ते थे, उसमें ह्यूमन राइट्स की बात किसने प्रारंभ की थी? कौन वो व्यक्ति था जो इनको दंगाइयों में ह्यूमन राइट्स पूछने लगे थे, इनको दंगाइयों में मानव अधिकार का आदान प्रदान कौन लोग थे? जनाब इस बात को स्पष्ट करिए। केशव जी, एक डेटा बता देता हूँ, आसाम का डेटा बता देता हूँ मैं। देखिए वो मुद्दा नहीं केशव जी, अपना मुद्दा नहीं है, लेकिन दो चार चीजें जो अविरल जी ने यहाँ पर मेंशन की है, मैं इनकी क्लेरिफाई के लिए दो चार चीजें बता दूं। असम में जो CA NRC की जो कैलकुलेशन हुई है उसमें 19 लाख लोग जो है NRC के दायरे से बाहर गए हैं, ठीक है। उन 19 लाख लोगों में 85% नॉन मुस्लिम है, पहली चीज आपको मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट जो किस पे गया, बहुसंख्यक, अभी आपने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नाम लिया, भारत में 14% के आसपास की आबादी है, बाकी कौन है आपको पता है, नॉन मुस्लिम मीन्स हमारे हिंदू भाई हैं, है ना। कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं, कहीं से कहीं तक कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जनसंख्या बढ़ किसकी रही है वो भी देखिए, ठीक है ना। बहरहाल ये मुद्दा आज का नहीं है, मैं सबसे पहले आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए जनसंख्या का ग्रोथ रेट होता है, आप इसको चेक कर लीजिए, जनसंख्या का ग्रोथ रेट आपको प्राप्त हो जाएगा, उस हिसाब से देख लीजिए। मैं बताता हूँ आपको कुछ नेताओं की बात कर लेते हैं कि उनके कितने पुत्र पुत्रियां हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा और वो किस कम्युनिटी से आते हैं आप समझ पाएंगे। बहरहाल मुद्दा अभी वो नहीं है, जिस दिन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होगी तो मैं फैक्ट और डेटा के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा, उस दिन भी हम लोग बात करेंगे। बात मुद्दे की थी, लेकिन उसमें आपने एक चीज बताई थी संविधान, ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से उल्लेखित किया था कि मुस्लिम का संविधान क्या कहता है
और भारत का संविधान क्या कहता है, और दोनों ही चीजें सर्वोपरि है, ठीक है ना। अब मैं बात आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने तिरंगे का जिक्र किया था, हिंदू का संविधान मुस्लिम का संविधान नंबर दो पर आना चाहिए, पहले नंबर पर भारत का संविधान है, पहले नंबर पर भारत का संविधान है, देखिए कौन सा पहला कौन सा दूसरा ये हमें किसी से सुझाव की जरूरत नहीं है, हमारे दिल में है, हमारे हर गोशे में है हिंदुस्तान, तो क्या चीज है वो हम समझते हैं। बहरहाल अभी बात जो आप कर रहे थे कि संविधान का सम्मान, तिरंगे का सम्मान, आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा थोड़े दिनों पहले, दुबई से आया था वो वीडियो क्लिप, शायद केशव जी को भी याद होगा, केशव जी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा, हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहुत बड़े नेता के साहबजादे, प्रिय साहबजादे, प्रिय साहबजादे थे, उन्होंने तिरंगे को ऐसे करके, हाथ को ऐसे करके साइड कर दिया, शायद आपने देखा होगा वो वीडियो जो उन्होंने पाकिस्तान में क्या कहा। नहीं नहीं, मैं आपको वो तिरंगे की बात पे बता रहा था, क्योंकि इन्होंने बोला तिरंगा का जो अपमान करे उसको सजा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसने हाथ से यूं कर दिया था, क्या वो अपमान नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, अगर अपमान तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो, ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जी आपने सुना कि उन्होंने जो है क्या पाकिस्तान में बोला, लेकिन साथ ही हमारा जो आज का विषय था उस पर फिर हम आते हैं, जो सवाल बहुत बड़ी बात है जो कि छाती पे चढ़ के बोल के आए नहीं है, मतलब कि प्रधानमंत्री जी कर नहीं सकते थे उसको, उनको जो काम करना चाहिए था वो जावेद अख्तर ने कर दिया, और जिनके ऊपर लगातार भारत के प्रधानमंत्री जी का अपमान कोई भी सहन नहीं करने वाला हो, और ये एक प्रकार से अपमान इसलिए है क्योंकि जावेद अख्तर साहब का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से तुलना करना बिल्कुल अनुचित है, किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहरा जा सकता, एक संविधान पद पर बैठे हुए हैं तो संविधान को एक प्रकार से संविधान के विरोध के कारण करना है, एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भारत देश के प्रधानमंत्री को अपने व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, सब लिखा है कि आप यहाँ पर ऐसे आप देख रहे हैं कि जो उनको 7 साल पहले 10 साल पहले हमारे वीर और जवानों को लेकर के जो बातचीत करनी चाहिए थी, उनको साड़ी भेजने की बजाय जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि उनको वो चीज भेजनी चाहिए थी कि आप ये देखिए, जहां हम दुश्मन देश को लानत भेजनी चाहिए थी कि उस जगह अगर हम उनकी माँ को साड़ी भेजें, उनको हम रसगुल्ले भेजें, ये कैसे, मतलब कैसे, क्या उनको श्रद्धांजलि मिलेगी क्या जो शहीद हुए हेमंत कांटे सालस्कर ये तमाम लोग। एक और आप कहते हैं कि देश से संबंध अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के, दूसरी ओर आप कहते हैं इस प्रकार का कार्य क्यों किया जाता है, तो पहले तो ये आप तय कर लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशंस महत्वपूर्ण आपके लिए है या और क्या चीज महत्वपूर्ण है, माननीय प्रधानमंत्री भी वही कार्य करते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किसने लिया, एयर स्ट्राइक करने का फैसला किसने लिया, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का फैसला किसने लिया, और पाकिस्तान की कमर किसने तोड़ी, चीन की कमर किसने तोड़ी, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यदि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ में भेजा हुआ है, सम्मान चलाने के लिए बोल रहे हैं, अगर हम आज भी उनको सर्टिफिकेट राष्ट्रभक्ति का न दे पाए तो फिर जो अगले लोग हैं, जो अन्य लोग हैं जो बोलने की क्षमता और ताकत रखते हैं वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि कैसे बोले जब नहीं हो सकता जो देश का अपमान करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है इस्लामिक कंट्रीज में ही टेररिज्म क्यों है, पहले इस बात को भी उठाना चाहिए,
ये इंटरनेशनल भी है इस्लाम से क्यों नहीं निकाला जाता। इस बात का उत्तर दीजिए, इसका उस बात का भी मानूंगा जो इस्लाम को ठेकेदार बनकर बैठते हैं क्यों नहीं करते। अगर नेहरू जिम्मेदार बोला जाए तो सही है, नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे क्या देश के? बात बात ये आती है कि देश के सभी सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। जो वीर हैं, जो हमारे हेमंत कांकरे सारस्कर सहित तमाम लोग जो मुंबई के हमले में मरे और आज भी अगर बॉलीवुड के बॉलीवुड में पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप उनको क्यों आने दे रहे हो? उनके बीजे पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हो? क्या सबक आप सिखा नहीं सकते? जरूरी नहीं है कि आप बातचीत का जवाब गन से दें। जो जवाब आज वो देकर के आए हैं, जावेद अख्तर जी ने साफ कहा है कि हमने तो बहुत प्रोग्राम किए आपके, लेकिन आपने तो अपने देश में लता जी का एक प्रोग्राम नहीं किया। क्या ये वाला सवाल बहुत पहले नहीं पूछा जाना चाहिए था? देखिए, जो ये जो आपका प्रश्न है वो अपने तरीके से सही है, लेकिन मैं इसका स्पष्ट एक उत्तर दे देता हूं। जो जावेद अख्तर साहब ने किया है हम उसका सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका अपमान बिल्कुल कोई नहीं करता। यदि कोई भी व्यक्ति देश के विरोध में बोलेगा तो निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा तो कम से कम नहीं की जाएगी। और यदि उन्होंने देश के पक्ष में बोला है, बोल कौन रहा है? देश के पक्ष में पाकिस्तान ने बोल रहा है, डॉक्टर जी ने बोला है, उनका सम्मान करते हैं, हमें भी सर्टिफिकेट आप दे दीजिए आज जी। देखिए, हम उनका सम्मान करते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह कोई यहाँ पर नहीं देता है, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ। बोल सकते हैं ना, ये तो अदालत तय करेगी, तो अदालत पर कुछ काम छोड़ दो, लेकिन हम आपसे आपका विचार जानने के लिए आपका संविधान क्या करता है उसको जरूर बोल सकते हैं। आपकी नजर हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ये स्पष्ट किया हुआ है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान ने स्पष्ट कर रखा है क्या फंडामेंटल क्या है और बॉलीवुड का संविधान में जाकर पढ़ती है हर व्यक्ति को संविधान पढ़ लेना चाहिए। अरे आप देख रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान में तो दोनों हिंदू मुसलमान देखिए, एक हिंदू है स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने क्या किया है उनका कृत्य देख लीजिए, दूसरी तरफ जावेद अख्तर जी का देख लीजिए, दोनों में आप कैसे देखते हैं? मैं तो यहाँ पर आपसे हिंदू मुस्लिम पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जावेद अख्तर जी ने अपना दिखाया, दिखाई ठीक है ना, जिन्होंने ऐसे लोगों को जिन्होंने सीधा बोल रहा हूँ मंसूरी साहब आप कैसे देखिए, जावेद अख्तर जी ने जावेद अख्तर जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो जो हौसला दिखाया है, ये कर रहा हूँ। देखिए, जो जावेद अख्तर जी ने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई, वो नफरत फैलाने वालों को हजम नहीं होगी क्या? ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, भारत के टुकड़े करने के लिए, भारत में विभाजन लाने के लिए नफरतें फैलाई है, और इससे ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं किया उन्होंने, और वो सोचते भी उसी नजर से हैं। तो ये टुकड़े फैलाने टुकड़े करने के लिए क्या है, हिंदू पावर का अनुयायी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी है, कौन नहीं है? कौन नहीं है स्वामी विवेकानंद जी का अनुयायी? क्यों जो है दूसरे को आप जो है इस नजर से देखते हैं कि ये अनुयायी नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है ना, आज भी हम लोग भी अनुयायी हैं, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल है उनके निजी विचारों के लिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उनके क्या निजी विचार है मेरा मेरा ओवैसी साहब का नहीं होता है, केवल ओवैसी साहब होते हैं सार्वजनिक बात करते हैं तो आपको अधिकार है ओवैसी साहब की निंदा कर सकते हैं, यदि वो देश के खिलाफ बोलते हैं देश में दंगा भड़का दो, यदि ओवैसी प्रयास करते हैं तो आपको ये अधिकार है कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते आप संविधान से लोगों का विरोध करते हैं, ये भी अधिकार है कि आप ओवैसी को जेल में डालिए।
यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी के निजी विचारों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आप ये कहते हैं, ठीक है ना, कि असदुद्दीन के बारे में क्या विचार है, वो एक नेता है, नेता के विचार नेता जैसे होंगे। आज बहुत से नेता हैं वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते हैं, मुसलमानों को काट देते हैं, मार देते हैं, क्या समझते हैं बच्चों का खेल, या क्या समझते हैं कि वो सही है, बताइए। अरे साहब, अब आप यही तो जो है कि आपको सिर्फ एक असद ओवैसी दिखेगा, लेकिन आपको ये विचार नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। जहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जहाँ एक तरफा कार्रवाइयां हो रही है, वहाँ आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कानूनी लोगों को संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनको संरक्षण मुहैया कराना चाहते हैं, हम मुक्ता बताइए ना, गैर कानूनी, सुनिए, गैर कानूनी काम तो भारत के तिरंगे का अपमान है या नहीं है? ये भारत के तिरंगे का अगर कोई अपमान करता है, गैर कानूनी है या नहीं है, ये बताइए। चलिए आप, है या नहीं, झंडे क्यों नहीं लहराते हैं? ऐसे अनेकों मदरसे आज भी मिल जाएंगे जिनमें झंडे नहीं लहराते हैं, तिरंगा झंडा जहां पर नहीं लहराता है। आप क्या उसके बारे में राय देना चाहेंगे? आपको कुछ लोग अभी नए मुसलमान बन के नमाज पढ़ना शुरू किए हैं, बरसों तक जिन्होंने झंडे नहीं लगाए तिरंगे, और आज भी दुबई में बैठ करके जो झंडे का अपमान करते हैं, ठीक है ना, आज भी, अभी तो 2-4 महीने की अंदर की बात बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, जरा सा इंटरनेट को खंगालिएगा, पता चलेगा कि देश के कौन नेता का कौन साहबजादा है वो, ठीक है ना, जिसने तिरंगे का अपमान किया है। अभी दूर नहीं जाना है, 2 महीने की बात बता रहा हूँ। देखिए, मदरसे की जहां तक बात करूं, अगर भारत में कोई मदरसा है जिसपे तिरंगा न हो, तो यूनुस मंसूरी पहले वहां जाएगा और तिरंगा लगाएगा, और किसी के बाप में ताकत नहीं जो यूनुस मंसूरी को रोक दे उस मदरसे पे तिरंगा लगाने। मैं आपको बहुत सारे एड्रेस भिजवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे एड्रेस और फोटो सही भिजवा दूंगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, कि ऐसा कोई मदरसा नहीं है भारत में जिसमें कि तिरंगा न फहराया है, पहली चीज। दूसरी चीज और बता देता हूँ आपको यहाँ पर, कि आप बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जम्मू की भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर की बात एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना, बहुत अलग मुद्दा है। आज नागालैंड की बात करते हैं, चलिए, हम नागालैंड में कौन सा झंडा फहराया था आपको पता है? वहाँ का पासपोर्ट कौन सा है? कौन सा पासपोर्ट है वहाँ? कौन सा पासपोर्ट? पाकिस्तान का क्यों समझते हैं आप? जब कश्मीर भारत का है, भारत का था और भारत का रहेगा, किसी की ताकत नहीं है कि वो हमारी कश्मीर को छीन सके। जाकर के बोला है, हमने उनकी पार्टी पे बोला है, बिरयानी खाने वालों को नहीं बोला है, बर्थडे के गिफ्ट देने वालों को नहीं बोला है, हमने उनकी छाती पे बोला है, हमने उनकी छाती पे जाकर के बात नहीं कर सकते, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि यही तो बात होती है, जब देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप बात जब भी बात आती है ना, कश्मीर अलग मुद्दा है, कश्मीर को आप अलग मुद्दा क्यों कहते हैं? इसमें से क्या बात छिपा हुआ है? क्यों अलग मुद्दा है कश्मीर? कश्मीर भारत के साथ मुझे लगता है आपको इतिहास भी नहीं पता और आपको वर्तमान भी नहीं पता। मुझे ऐसा अगर आप पढ़ते तो आप समझते आप, लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आज यदि मैं चाहूँ तो मैं जमीन खोल सकता हूँ, क्या होता है? 370 लेकिन आप उस पर बात नहीं करना चाहते केशव जी, क्या नागालैंड पे बात की जा सकती है? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को अगर घोषित भी कर रहे हैं, उस पर भी हमको बात करें, उस पर सरकार का काम है कि सरकार को बात करना चाहिए। अभी 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 इतनी परिपक्वता नहीं है, मुझे लगता है कि अभी इस मामले में इतनी परिपक्वता नहीं है, मुझे लग रहा है कि अभी इतनी परिपक्वता नहीं है। नागालैंड से इंटरनेशनल संबंध क्या है बताइए? आप इंटरनेशनल संबंध नागालैंड से क्या है बताइए? पाकिस्तान बीजेपी के एक नेता अभी 2 दिन पहले आकर के बोलते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखाऊं क्या आपको? अभी तक क्यों नहीं निकाला? नहीं, मैं तो आपको लग रहा होगा आपके बीजेपी और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं है जी।
और उत्तर प्रदेश में कोई गांव आपको मैं दिखा दूं जी, उत्तर प्रदेश में गौ माता को छेड़कर देखे कोई, उसके बाद पता चलेगा गौ माता को उत्तर प्रदेश के अंदर छेड़कर देखे। आपकी पार्टी के एक नेता बोलते हैं मैं भी खाता हूँ, जो भी कार्य करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट कान खोल को सुनने वाला नियम है, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट कानून बुलडोजर चलेगा। बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है, ब्राह्मण माता जी को मारा गया है और ब्राह्मण बालिका को, कन्या को, ब्रह्म हत्या का पाप उनको तो नहीं लगेगा, जो वो तो मानते नहीं है, लेकिन आपने क्या उन पुलिस वालों के घर पर बुलडोजर अभी तक फेरा है? मतलब मुझे तो अभी जानकारी नहीं मिली है, कब फेरने वाले हैं पुलिस वालों के ऊपर? सरकारी गुंडे नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फेर रहे हैं समर्थन नहीं कर सकता। एक बात स्पष्ट है कि मैं गैर कानूनी व्यक्ति का समर्थन नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा। गलत करता है तो आप उसको ठोक देंगे, लेकिन अगर एसडीएम गलत करता है तो उसको ठोकने की ताकत, उसके लिए कौन सा बाहर से लोग आएंगे क्या? उसका एक्सीडेंट हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? एक्सीडेंट क्या अपराध किया प्रभु, सभी जानते हैं, आप देख लीजिए जानबूझ के किया गया अपराध अपराधी होता है। संविधान में गलती के लिए 1% स्थान नहीं है, 0.0 आप नहीं है गलती का कानून दर्जे के बनाए गए हैं। जहाँ पर गो तस्करी का मामला आता है उसको जिंदा जला सकता है, और जहाँ बोला जाता है कि मैं खाता हूँ बीजेपी नेता तो वो भी माफ हो जाता है। ये दो तरह के कानून लागू होते हैं, इस्लामिक टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही अफगानिस्तानियों को एक्सेप्ट करेंगे, ना पाकिस्तानियों को टॉलरेट करेंगे, और यदि ये किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने का प्रयास करते हैं तो इनको मुंहतोड़ जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन 2014 से अभी तक आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ तो कमर तोड़ दी पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? हिंदू भारत की विदेश नीति सबसे मजबूत है, आज के समय में भारत की विदेश नीति सबसे मजबूत है। 370 35 से हटाया, राम मंदिर का राम मंदिर वापस बन रहा है और राम मंदिर का दर्शन करने किस काम के? देखिए मैं तो मंसूर साहब को करता हूँ, राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए चले, उसके लिए इस अर्थव्यवस्था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अयोध्या तो बस जाती है, बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष में ही प्रस्ताव निश्चित तौर पर आएगा। मेरा हिंदुओं की जमीन को परिवार परिवार है, औरंगजेब के समय में इन मुस्लिम शासकों के समय में भाग गया, क्या हिंदू मानते हैं या नहीं? अगर मांग रहे हैं जो हमारी भूमि है तो हमारा अधिकार हो तो क्या उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम पर और उनके अनुयायी इस्लाम का प्रयास किया जाएगा? वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू है या नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू है या नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य? तवज्जो नहीं दे रहे हैं विधायक की सीट ढंग से नहीं बचा पाते, उनकी जो बेटी है आदरणीय संगमित्रा मौर्य वो यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी से है, वो भाजपा को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो उनको मालूम पड़ गया समाजवादी पार्टी का क्या असर हुआ। उनके जिन्होंने उनके जिन लोगों के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रचार किया वे सारी सीट सपा हार गई, जहां स्वामी प्रसाद पहुंच गए वो समझो सीट हार गई सपा। बताइए क्या उनका असर है? इधर से उधर उधर से उधर इस प्रकार से घूमने वाला व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी बसपा में कभी भाजपा में कभी सपा में। केशव जी, केशव जी, केशव जी, ये क्या ये क्षेत्रीय राजनीति हुआ जा रहा है मुद्दा, क्या आइडियोलॉजी है आज जावेद अख्तर जी का, लेकिन क्षेत्रीय संकुचित हुआ चला जा रहा है, क्षेत्रीय हुआ चला जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उस पे आकर के और हम इस चीज को जो है कंक्लूड पे पहुंचाएं, ठीक है ना, और आपसे दरखास्त भी करूंगा कि कुछ परिपक्व जो हो, ठीक है ना, उनके उनका एक पैनल जो है जल्द तैयार करें। बहरहाल मैं अपनी बात जो है यहाँ पर रखना चाहूंगा कि जो जावेद अख्तर जी ने किया वो बहुत ही हिम्मत और हौसले का मामला था, ठीक है ना, और बेशक ये चीज जो है प्रधानमंत्री जी को या किसी जिम्मेदार पर्सन को करनी चाहिए थी,
लेकिन वो नहीं कर पाए, और जावेद अख्तर जी ने वो कर दिखाया जिसके लिए हर हिंदुस्तानी सोचता है। क्योंकि एक एक कसक तो है कि मुंबई में जब आतंकवादी आक्रमण हुआ उसके पीछे पूरी तरह से हमने सबूत दिए और पूरी तरह से उनका हाथ था। कहीं ना कहीं देखिए हमारी भी चूक थी, चाहे हम आईबी की बोलते हैं, चाहे रॉ की बोलते हैं, चाहे जो भी एजेंसी से हमारी, कहीं ना कहीं हमारा फेलियर थोड़ा बहुत रहा, तभी वो आए हैं। तो हमने उनको एक आईना दिखाया है और इंटरनेशनल बिल्कुल आज देखिए ना आप देश में साढ़े 300 किलो आरडीएक्स ब्लास्ट हो जाता है पुलवामा में, और वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन लाया, कैसे आया, कुछ भी नहीं। सरकार आपकी है, नुमाइंदे आपके हैं, एजेंसीज आपके कहने पे है, और उसकी कोई जांच नहीं आज तक, कोई पकड़ाया नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आज आप देखिए कि जो बॉम्बे वाला जो हादसा हुआ है, ये मुंबई बम ब्लास्ट और जो मुंबई का जो ये चीजें हुई है, आक्रमण जो हुआ आतंकवादी, उसके ऊपर हमने सबूत दे दिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। या तो छाती पे चढ़ के वहां के उन गुनहगारों को लाना चाहिए था और उन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए थी। आज दूसरे देश भी यही चीज कर रहे हैं, ठीक है ना। आज यूएस ने क्या किया, अफगानिस्तान पे हमला करके पूरा नस्तनाबूद कर दिया, जो उनका खास दुश्मन था ओसामा बिन लादेन उसको खत्म किया। चाहे उनको 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, व्हाटएवर जितने भी लगे, हमें भी यही करना था कि हमारे कुछ सिपहसालार जो है जाते और उन गुनहगारों को उनकी कब्र तक पहुंचाते, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाते, तो शायद ये दमदारी वाली बात होती। लेकिन लेकिन हमने तो उसका पलटवार के जवाब भी नहीं दिया। तो ये बड़ा जो है कि एक विचारणीय और चिंतनीय बात है। लेकिन जावेद अख्तर जी ने जो किया है, ठीक है ना, उसके लिए बेशक उनको सराहना दे, उनकी हिम्मत पर हमला हुआ उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का फेलियर था, जो प्राइम मिनिस्टर का फेलियर आप बताते हैं ना, तो इस बात को स्वीकारना होगा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस वक्त कांग्रेस का वो फेलियर था। और आज के समय में जो आपने बात की है, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या फिर एयर स्ट्राइक की बात हो, उसके तहत उनसे जो जवाब उनको देना था वो दे दिया। और कान खोल करके पाकिस्तान के लोग ये भी सुन ले कि किसी भी प्रकार की अभी इस प्रकार की कोई घटना करने का आगे भी प्रयास किया तो पाकिस्तान को छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। आज के समय में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के अंदर मौजूद है, देश का सबसे बड़ा नेता, पाकिस्तान देश की सबक सिखाने वाला भी विक्रम अब्दुल भी आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। सबसे बड़ा बात सरकार में सबसे ज्यादा सही है, सुधरा नहीं है प्रधानमंत्री, हमेशा देश पर होता है, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा देश पर ही होता है, और दुनिया का पक्का माननीय मोदी के देश के बगैर नहीं हो सकता। ये भारत का प्रधानमंत्री होती है, ये भारत के प्रधानमंत्री केशव जी प्रधानमंत्री इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज फेलियर को पाकिस्तान का नाम लेने से कब तक छुपाएंगे लोग। जो लोग माननीय मोदी जी के खिलाफ बोलने का प्रयत्न करते हैं तो कान खोल कर सुन ले कि किस प्रकार से भारत की विदेश नीति को डिजाइन किया गया, जिससे कि कोई भी, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कार्य आपकी सरकार ब्राह्मणों को गालियां पड़ रही है, जूते खा रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, क्या बताएं। ना तो उनके लिए कोई एक्ट बनाया गया, उनको कोई विदेशी बोल रहा है, कोई डीएनए पर सवाल उठा रहा है। तो बात यही है, देश बचाओ, देश बचाओ, जो सम्मान मिलना चाहिए और बात हो रही है हिंदुओं को मिली तो मुसलमानों को भी मिली। यदि खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मुसलमानों का खोला गया तो हिंदुओं का भी खोला गया। दुनिया हिंदू मुस्लिम करने वाले हम लोग नहीं है, हम लोगों को यदि प्रधानमंत्री एजेंसी एलआईसी वो पिछले के कगार पे है, बैंक बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है देश बचाने की बात हो रही है। इस सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बात ब्राह्मणों को पूजने की बात आती है ना, पूजा करते हैं, तो ये जो दिखावा हुआ है धर्म ग्रंथों का अपमान, पहली बात है। इतना तो बड़ा अपमान कभी जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कभी लोगों के चलाई, उन्होंने मनुस्मृति चलाई, वो एक लोग समाज की बुद्धि
सनातन के, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी रामायण को नहीं जलाया, गीता नहीं जलाई, वेद नहीं जलाए, वेदांत नहीं जलाए, उपनिषद नहीं जलाए, और जो आज के दौर में हो रहा है जी, और वो उस समय ही अगर कार्यवाही हो गई होती, उस समय ही अगर विरोधाभास हो गया होता, तो इतनी हिम्मत ही किसी की नहीं पड़ती। जिसको नहीं मानना वो अपना दूसरा धर्म ले ले, क्या दिक्कत है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी धर्म को, किसी धर्म से अगर आपत्ति, तो सीधी सी बात है, अगर मुसलमान को इस्लाम से आपत्ति है तो वो दूसरा धर्म अपनी स्वेच्छा से ले ले, अगर हिंदू को कोई आपत्ति है तो वो दूसरा धर्म ले ले, किसी को धर्म से अगर कोई आपत्ति हो, भगवान से अगर धर्म ही नहीं लेना है तो बिना धर्म का भी हो सकता है, पहला सर्टिफिकेट भी अपने देश में जारी हुआ है। तो बात ये है कि अगर धर्म नहीं मानना तो आपत्ति तो है, संविधान आपको इजाजत दे रहा है कि आप बिना धर्म के भी इस देश में हो सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जी सकते हैं। तो बात ये है कि इस पर कानून तो कड़े और बड़े होने चाहिए ना, किसी की आस्था पर क्यों सवाल। अगर आपकी गीता, आपकी रामायण चलाने वाले आपके हिंदू ही हैं, हमारे हिंदू ही हैं, तो हमारा सवाल मुसलमानों से क्यों हो कि आपकी कुरान को जलाया होता तो मालूम चला होता, क्यों जलाया है उस पर आप पीछे पड़िए ना। मुसलमान तो कभी नहीं कहता है कि हमारी कुरान पर आपने बोला है, हमारी कुरान को जलाया है तो आप गीता जला के दिखाए, वो नहीं कुछ कहते, वो कहते हैं कि आप चलाओगे तो हम आपके लिए करेंगे, हमारे मैं अपनी जगह फिक्स हूँ, तो आप क्यों नहीं, आपकी तो तैयारी, आपको तो हिंदुत्व को बचाने के लिए ही आपकी सरकार आई है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप किसी धर्म पर कटाक्षेप न करके, कुछ न करके उनको आप दंडित करिए ना, कि जिससे आगे आने वाले समय में वो कुछ कभी कहे ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाए, कोई हिम्मत न जुटा पाए। देखिए, हमने ब्राह्मण सम्मान का कार्य किया है, ब्राह्मणों का सम्मान यदि सबसे ज्यादा किसी की सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात आप ले लीजिए या फिर आप केंद्र के स्तर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं डाला, उसका भी तो आप सम्मान ही कर रहे हैं, मैं तो यही आपसे कहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की यदि आप बात पूछना चाहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी तवज्जो देने की कोशिश आप मत कीजिए, कोई इतने बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, इस बात का समर्थन करता हूँ कि उनको जेल भेजा जाना चाहिए, कानून के अनुसार कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर होनी चाहिए, कानून के अनुसार उसके उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं कहना चाहता हूँ जो उन्होंने जिस प्रकार का कृत्य किया है उनको निश्चित तौर पर सजा होनी चाहिए। मैं वही तो सवाल कर रहा हूं कि अभी तक क्यों नहीं हुई। देखिए, एक्शन लिया जाएगा और पुलिस निश्चित तौर पर उसमें एक्शन ले रही है, लेकिन बात यह आती है कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है, ऐसे लोगों पर अगर जल्द एक्शन नहीं आप लेंगे तो इनके तो और भाव बढ़ेंगे। ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हो कि ऐसे लोगों को जो है जो धर्म ग्रंथ चलाए उनके लिए कुछ विशेष जो है आप कानून बनाए, जो कसम खाते हैं कि हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, हम धर्मों की कसम खाते हैं, वो जो धर्मों की कसम खा करके ही धर्मों का अपमान करने में लगे हैं, उनके लिए तो विशेष जो है कानून होने चाहिए ना, आजीवन या फांसी जैसी सजाओं का प्रावधान करके पाकिस्तान की तरह, क्यों किसी की आस्था को ठेस पहुंचे भाई, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान अपने आप में पूर्ण है, भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, ना ही किसी धर्म का अपमान किया जा सकता है। इसी के लिए तो आपको उठाया, आपको क्यों उठाया कि कोई हमारा अपमान ना कर पाए, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक देशभक्त, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई है, और जिस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अपमान करना चाहता है, अपमान करने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर उसको सजा दी जाती है और दी जानी चाहिए, उसको जो कानून के मुताबिक सजा है वो निश्चित तौर पर दी जाती है। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि इन चीजों में देरी इतनी बड़ी गलत बात है, लगातार बयान, शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर को आपने कौन से सजा दे दिया, उसको कौन से सजा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना सहमत है मोहन भागवत जी से, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, मोहन भागवत जी ने कहा ना कि पंडितों ने जातियां बनाई, जबकि गीता के अध्याय 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में साफ साफ लिखा है भगवान कृष्ण ने कि वर्ण व्यवस्था का निर्माण हमने किया है, हमारे अधीन है। तो जब ईश्वर ने खुद बोला है जिस वाणी को, ईश्वर ने खुद जो है ये चीज मानी है, उसमें पंडित कहां से आ गए। मोहन जी को मोहन का और भागवत का कुछ आता पता है या नहीं है। देखिए, माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो किस संदर्भ में कहा है वो आप जान सकते हैं, और आरएसएस के अनेकों नेताओं के द्वारा स्पष्ट भी कर दिया गया है
कि वो ब्राह्मणों के अपमान करने के संदर्भ में कतई भी नहीं कहा गया है और वो दूसरे संदर्भ में वहां पर कहा गया। और किसी पर्टिकुलर इश्यू के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उस संबंध में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि वो ब्राह्मणों के अपमान करने के संदर्भ में उन्होंने नहीं कहा। और ब्राह्मण सबसे ज्यादा, यदि आप जातिवाद पर ही तुलाए हैं, जातिवाद पर यदि आप उतर आए हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जातिवाद पर नहीं उतर आए, हम ये कह रहे हैं इतना सम्मान के बारे में आप गलत बोल रहे हैं, जातिवाद नहीं, उनके बारे में कुछ आप गलत बोलते हैं तो आपको जेल हो जाती है। एक व्यक्ति को आप कहते हैं कि आप विदेशी हैं, डीएनए आपका इतना खराब है, आपके ब्राह्मणों का सम्मान करने का सबसे ज्यादा कार्य भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े हुए सभी जितने भी संघ परिवार के अंग हैं उनके द्वारा किया गया है, उनका ब्राह्मणों का सम्मान किया गया है। और संघ परिवार के द्वारा ब्राह्मणों का न केवल सम्मान किया गया है बल्कि ऊंचे पदों पर भी ब्राह्मण यहाँ पर मौजूद हैं। और लेकिन मैं जातिवाद के अनुसार मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आप यदि मुझे पिंच कर रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं ब्राह्मण राष्ट्र ब्राह्मण भारत का पा चुके हैं, यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं ब्राह्मण सम्मान भारत का पा चुके जावेद अख्तर जी ने जो किया है वो बात सभी जावेद अख्तर जी ने किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और हम चाहते हैं कि उनके रास्ते पर अगर लोग चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए। जो बाहर के लोग हैं, हमारे देश का सम्मान सबसे पहले उनको बाहर जो है बगाई है, उनके लिए कोई इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए, इस चीज पर खड़े होना चाहिए, एक साथ जो है बोलना चाहिए। तो इन चीजों पर अगर हम लोग आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम कुछ अच्छा और बेहतर कर पा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े थे अविरल मलिक साहब और हमारे साथ में बातचीत चर्चा करने के लिए यूनुस मंसूरी जी भी जुड़े थे और वो हमारे साथ में इस समय नहीं है, उनको कहीं जाना था तो इसके कारण हम बातचीत कर रहे थे मलिक साहब से और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सभी सवालों के जवाब भी और अपने विचार भी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अविरल मलिक साहब, आप जुड़े और आपके विशेष मुद्दे पर आपने बात रखी, क्योंकि देश को एकजुट रहना है, तिरंगे को संभाल के रखना है, जो पूर्व में हुआ है हमें उसको भूल जाना है, नए सिरे से हमारा भारत, नया भारत जो बढ़ रहा है, हम जहां जीडीपी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, हम 5वें नंबर पर हैं अर्थव्यवस्था में, और तमाम जो गलतियां जो सिस्टम कर रहा है, सरकारी गुंडे कर रहे हैं, उन पर भी जो है बड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, जो जनता के प्रतिनिधि होकर के जनता को ही ठेस पहुंचाने का कार्य जो कर रहे हैं इस देश के अंदर, उनके ऊपर भी बड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। तो इस देश में प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी तक जो है संदेश कई बार भेजे भी गए हैं और उनको इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से लोगों को अपेक्षाएं थी, देश को अपेक्षाएं थी, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों को उन्होंने वोट भी किया है, इसीलिए क्या बड़े और कड़े कानून बनाए वो बन नहीं रहे हैं वर्तमान में, उनको करना चाहिए, उनको सख्ती से, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं क्या आप इसका पालन करोगे या नहीं, क्योंकि लोग तो नहीं करना चाहते, आप कानून बनाइए फिर देखिए वो करते हैं या नहीं, जबरदस्ती करवाओ, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी द इंडियन हिस्टोरिकल पुस्तक में लिख के गए कि 20 साल तक देश में तानाशाही करनी पड़ेगी, ये जो लोग हैं ये गंदगी साफ करनी पड़ेगी, इनको डंडे मार मार के थूक नायकों को बाहर करना पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है की हैं, तो ये नायक नहीं है, जो देश में नायक हैं उनका सम्मान होना चाहिए, जो नालायक हैं उनको बाहर करना चाहिए, देश से बाहर भले ना हो लेकिन वो कम से कम समाज से और हमारी विचारधारा से तो बाहर होने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आप जुड़े और आपकी बात। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है।